एक बार मुझे फटाफट से मैसेज कीजिए कि वाह। चलिए जल्दी से फटाफट से एक मैसेज कीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जितने भी लोग आ गए हैं आप सभी का क्लास में वेलकम है, और एक बार फटाफट से मैसेज कर दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग निरंजन, वेरी गुड इवनिंग रेखा। तो ये क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामर से क्वेश्चन है पहला। पहले 10 क्वेश्चन ग्रामर से हैं, फिर 10 क्वेश्चन जो है वो आपके लिटरेचर से हैं, 20 क्वेश्चन हैं टोटल। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, और क्वेश्चन है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ही विशिंग ही हैज मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। ही विश्ड ही हैव मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। ही विश्ड ही हैड मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। ही विश्ड हीज हैविंग मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। वेरी इजी, थैंक यू निरंजन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी इजी। और वेरी गुड इवनिंग प्रदीप। यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यही वाला एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके गुड। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस वेल। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस वेल। इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ऑप्शंस आपके पास है, द फैक्ट्स ऑफ द केस हैड प्रेजेंटेड द लॉयर वेल। द फैक्ट्स ऑफ द केस हैड बीन प्रेजेंटेड बाय द लॉयर वेल। द लॉयर हैड बीन प्रेजेंटेड वेल बाय द फैक्ट्स ऑफ द केसेस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस हैड बीन प्रेजेंटेड वेल बाय द लॉयर। वेरी गुड इवनिंग मनीषा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग बाद में ज्वाइन किए हैं आप सभी का क्लास में वेलकम है। तो चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए कि ये जो वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसका जो है ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस वेल। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर कीजिए कि कौन सा जो है वो सही होगा, कौन सा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए क्या होगा सही। Which one is correct here? Yes, very good. Option D, correct. आज बिल्कुल सही सही सबके आंसर आने चाहिए। The facts of the case had been presented well by the lawyer. बिल्कुल इजी ये भी था, had been यहाँ पर हो जाएगा। Very good evening, अनीता। चलिए next question यहाँ पर है, identify the segment that contains a grammatical error. Even though we are quite different than each other in our food preferences, we both love South Indian delicates, delicious. तो यहाँ पर चलिए आप बताइए कि क्या यहाँ पर मिस्टेक है, क्या गलती है, किसमें, किस पार्ट में यहाँ पर गलती है? चलिए जल्दी से बताइए। वेरी गुड इवनिंग अंजू। इन आर फूड प्रेफरेंसेस वी बोथ लव साउथ इंडियन डिलीशियस इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट दैन ईच अदर। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, क्या सही होगा यहां पर, कौन सा गलत है और क्या गलत है ये भी बताइएगा कि क्या गलत है, क्या सही होगा, उसकी जगह पर हम क्या सही कर सकते हैं। ठीक है, अर्चना जी ने कहा थर्ड नंबर, प्रदीप जी का कहना है डी। तो क्या गलत है ये भी आप बताइए कि क्या गलत है, क्या उसमें हम सही कर सकते हैं, क्या वो गलत है, क्या पॉइंट उसमें गलत है। यस, मैंने मान लिया कि ऑप्शन डी गलत है, ये वाला पोर्शन गलत है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या गलती है इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ गलत लिख गया है, ये बोथ लव ही है, इसी सेंटेंस को देखो। ठीक है धर्मेंद्र, यस लव वो सही है। ठीक है, वो नीचे एस हो गया है ऑप्शंस में, आप सेंटेंस देख लो, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है, डिफरेंट दैन ईच अदर नहीं होगा, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होगा। ठीक है, वेरी गुड, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। गुड, नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स।
फर्स्ट इडियम है यहाँ पर टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ठीक है, यस। चलिए यहाँ पर ये इडियम है और आपको बताना है इसकी मीनिंग क्या होगी। जल्दी से यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होगी, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। चलिए जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए कि इसकी मीनिंग क्या होगी। ऑप्शंस आपके पास में है, ऑप्शंस है वॉज हास्टली कंक्लूडेड, बिहेविंग एरोगेंटली, वॉज रिसीव्ड क्रिटिकली, या वॉज अप्रिसिएटेड बाय सम। चलिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। और आपका इडियम क्या है, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही आंसर इसका, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए क्या होगा। यस, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर है टू गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब हो जाएगा बिहेविंग एरोगेंटली या स्नोबिसली, ठीक है। अगर आप एरोगेंटली बिहेव करते हैं, प्रिटेंड करके कोई चीज बिहेव करते हैं, या फिर स्नोबिसली बिहेव करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ठीक है, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। चलिए बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल एंड वर्महुड, ये भी एक इडियम है और आपको इसकी मीनिंग बतानी है, ठीक है, कि इसकी मीनिंग क्या होगी। चलिए जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए कि इसकी मीनिंग क्या होगी। अपियर सडनली, बिकेम अ लूजर, हेटफुल, रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स। गॉल एंड वर्महुड, चलिए जल्दी से इसको बताइए कि क्या होगी। गॉल एंड वर्महुड एक नया इडियम आपके सामने है और आपको बतानी है इसकी मीनिंग। अपियर सडनली, बिकम अ लूजर, हेटफुल, या फिर रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स। वेरी गुड इवनिंग विराट, यस, वेरी गुड धर्मेंद्र, ठीक है। क्या हो जाएगी अगर हम बात करें तो, हेटफुल, वेरी गुड, ठीक है, हेटफुल। नॉट ए, गाल एंड वॉर्महुड का मतलब होता है हेटफुल, ठीक है। किसी से आप क्या करें, अगर किसी से आपको बहुत अच्छे आपके रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा हेटफुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। अगर कोई चीज आप बिटरनेस के साथ कह रहे हैं, कोई चीज आपको कह सकते हैं रिसेंटमेंट के साथ में या बिटरनेस के साथ में कोई चीज आप अगर कह रहे हैं किसी से, ठीक है, या कह सकते हैं कि अगर डिसअपॉइंटमेंट है, ह्यूमिलिएशन है अगर किसी चीज को लेकर के, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि वो जो अच्छा नहीं है, स्कॉर्नफुल है, तो उसको हम बोल सकते हैं गाल एंड वॉर्महुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस है और आपको बताना है किसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का सही सही यूज हुआ है, ठीक है, किसमें जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का सही सही यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन है ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, ही डज हिज वर्क केयरफुली, ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। चलिए जल्दी से बताइए कि अप्रोप्रिएट यूज किसमें किया गया है। ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, ही डज हिज वर्क केयरफुली, ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ही हैज, ही डज हिज वर्क केयरफुली। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपके सामने इनएबिलिटी लिखा हुआ है और इसको आपको बताना है जो सही स्पेलिंग है, किस कौन से स्पेलिंग चारों में से सही है। वेरी गुड इवनिंग रोशनी, कोई बात नहीं बेटा, चलो जल्दी से यहाँ पर मुझे बताइए कौन सा जो है वो सही स्पेलिंग लिखा हुआ है। इनएबिलिटी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है और आपको बतानी कौन सी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है यहाँ पर इनएबिलिटी की, ठीक है। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इनएबिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी, या फिर किसी चीज की स्किल, या फिर कोई चीज की पावर। तो यहां पर कौन सा स्पेलिंग सही है, इनएबिलिटी, IMABILITY, इनएबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है, अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस गुड।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंटोनिम ऑफ मोइल. मोइल यहाँ पर एक वर्ड है और आपको बताना है इसकी एंटोनिम क्या होगी. कल्टिवेट, ग्रो, डिस्करेज, वर्क. चलिए जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड है मोइल और आपको बतानी है इसकी एंटोनिम क्या होगी. जल्दी से बताइए इसकी एंटोनिम क्या होगी. ठीक है, चलिए आपने मोइल एंड टॉयल सुना होगा तो यहाँ पर बताइए मोइल की जो एंटोनिम होगी वो क्या होगी. कल्टिवेट, ग्रो, डिस्करेज, वर्क. मॉयल एंड ट्वेल. तो मॉयल एंड ट्वेल, देखिए मॉयल का मतलब होता है क्या, मॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, कोई बहुत ज्यादा लेबर करना. ठीक है, उसको बोलते हैं मॉयल. और यहाँ पर जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्करेज. ठीक है, इसकी एंटोनिम क्या हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी. क्योंकि मॉयल का जो एंटोनिम होगा वो यहाँ पर इन चारों को देखते हुए क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा. ठीक है, गुड. नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस आर माइंड माइंडर शेक्सपियर. हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन हैज लिट कॉलरेज साउदे बायर. चलिए जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड आर माइंड माइंडेड शेक्सपियर हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन हैज लिट कॉलरेज साउदे बायर. वेरी गुड इवनिंग कुसुम. चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा. हैजलेट, कॉलरेज, साउदे और बैर. शेक्सपियर के लिए ये अच्छा सा स्टेटमेंट किसने दिया था. यस गुड, कॉलरेज. ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट था एसटी कॉलरेज का. वेरी गुड. हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. एडिशन, कॉलरिज, अर्नॉल्ड, हैजलेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और आप बताइए हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. एडिशन, कॉलरिज, अर्नॉल्ड या फिर हैजलेट. आज का क्वेश्चन जो लेवल है मैंने थोड़ा इजी रखा है. ठीक है, यस, वेरी गुड. हैजलिट, हैजलिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. गुड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल. हुज ऑब्जर्वेशन इज दिस. बेन जॉनसन्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स, कॉलरिज, ड्राइडन. चलिए जल्दी से बता दीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर. He was the man of who of all moderns and perhaps ancient poet had the largest and the most comprehensive soul. Ben Jonson, Robert Browning, Coleridge, Dryden. चलिए जल्दी से बता दीजिए. Yes, good. Dryden. Yes. प्रेम जी अभी कोई डेट नहीं आई है टीजीटी के एग्जाम की. नेक्स्ट है द स्वीटेस्ट थिंग्स दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर. दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम. डैफोडिल्स, टुलूसी, अर्ली स्प्रिंग, द सॉलिटरी रीपर. चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है द स्वीटेस्ट थिंग्स दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर. दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम.
डैफोडिल्स, टुलुसी, अर्ली स्प्रिंग, द सॉलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 12, यस वेरी गुड, ऑप्शन बी टू लूसी। ठीक है, ये जो लाइन है द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ये कहां से लिया गया है? ठीक है, ये लिया गया है लूसी के लिए। यस प्रतिभा, इट्स ओनली फॉर इंग्लिश। मीट दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? लाउडेमिया, द लीज गैदरर, ओड टू ड्यूटी, माइकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और एक अच्छा क्वेश्चन है, और आप बताइए कि ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से ली गई है? ठीक है, मीट दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर। चलिए जल्दी से बता दीजिए। मीन दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? लाउडेमिया, द लीज गैदरर, ओड टू ड्यूटी, माइकल। नहीं प्रतिभा जी, ये इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है तो इंग्लिश लिटरेचर से ही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है, ठीक है, जो सही आंसर है, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। ठीक है, ये जो लाइन है, माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज एंड इवर इज द सेम। तो ये जो लाइन है ये ओड टू ड्यूटी से ली गई है। ठीक है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओड टू ड्यूटी से। यस, कंफ्यूजन हो गई, ये ओड टू ड्यूटी से ली गई है, द लीज गैदर से नहीं ली गई है। ठीक है, ये कहां से ली गई है? ओड टू ड्यूटी से ली गई है। ठीक है, हु इज द मेन कैरेक्टर हीरो ऑफ किड्स लामिया? लामिया अ सर्पेंट वुमन, ये किड्स की एक अच्छी सी अच्छा सा वर्क है। ठीक है, और थोड़ा सा कह सकते हैं नरेटिव वर्क है, तो यहां पर आपको मेन हीरो के बारे में बताना है। ये जो किड्स की लामिया एक पोयम थी, ठीक है, अ सर्पेंट वुमन, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि इसमें जो मेन हीरो कैरेक्टर है वो कौन है? कॉर्निथ, फॉरफोरियो, लॉरेंजो, क्लाइमेन। लामिया, इजाबेला, सेंट अगेंस, ईव ऑफ सेंट अगेंस, ये एक साथ जो आई थी, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या मतलब कौन सा हीरो इसमें सही है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। लॉरेंजो एंड इजाबेला थे, ठीक है, लॉरेंजो और इजाबेला किसमें थे? पॉट ऑफ बेजल में। यहाँ पे कॉर्निथ था, ठीक है, कॉरिन्थ जो था वो लामिया इससे लव करने लगती है, ठीक है, तो जो कि एक सर्पेंट वुमन होती है, और हरमिस से वो प्रे करती है कि वो उसे एक वुमन बना दे। तो ये जो हीरो था वो कॉर्निथ था, ना कि लॉरेंजो। लॉरेंजो आपकी द पॉट ऑफ बेजल में था। ठीक है, किड्स वॉज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड, वाई इज इट सेड सो? बिकॉज किड्स हैड ग्रेट फैसिनेशन फॉर ग्रीक हीरोज, बिकॉज किड्स वॉज अ हाईली सेंसुअस पोएट लाइक द ग्रीक पोएट्स, बिकॉज किड्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडिया थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ होमर। कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप सभी लोगों को, तो उसे आप लोग क्लियर करो, रिविजन रखो, रिविजन की कमी हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताओ। किड्स वाज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड, व्हाई इज इट सेड सो? बिकॉज किड्स हैड ग्रेट फैसिनेशन फॉर ग्रीक हीरोज, बिकॉज किड्स वाज अ हाईली सेंसुअस पोएट लाइक द ग्रीक पोएट्स, बिकॉज किड्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ होमर।
चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही। यस गुड आंसर आ भी गया है कुछ लोगों का। तो देखिए यहाँ पर कीट्स वाज अ ग्रेट ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड बिकॉज कीट्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज थीम फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी से उन्होंने बहुत कुछ लिया, इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है। वैसे ये सारे पॉइंट सही है उनके बारे में, वो फैसिनेट भी थे ग्रीक हीरोज के लिए, हीरोज के लिए नहीं स्पेशली फॉर ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर सही हो जाएगा। टेनिसन हैड रिटन अ पोएम ऑन द टम्ब ऑफ अ मुगल एम्परर, ऑन हूज टम्ब, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन द टम्ब ऑफ अ मुगल एम्परर, ऑन हूज टम्ब, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और मुझे आप बताइए सही आंसर क्या होगा। किसके टॉम के बारे में जो है वो लिखा था टेनिसन ने। वेरी गुड इवनिंग कल्पना। यस अकबर्स ड्रीम। ठीक है, अकबर्स ड्रीम ये लिखा था किसने, ये लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अकबर्स ड्रीम ये थी उनकी, जो कि उन्होंने किसके टर्म पे लिखी थी, अकबर के टर्म पे लिखी थी। ठीक है, नॉट औरंगजेब, इट्स अकबर। अकबर्स ड्रीम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, 1892 में उनकी डेथ के 3 वीक्स के बाद में ये पब्लिश की गई थी। वॉट स्लैम्स प्रिंस डोरस, अ कॉमेडी, अ टेल इन प्रोज, अ नरेटिव पोयम, अ फैरी टेल इन वर्स। चलिए प्रिंस डोरस, प्रिंस डोरस क्या है, चार्ल्स लैम ने लिखा है प्रिंस डोरस, तो व्हाट इज प्रिंस डोरस, व्हाट इज लैम्स प्रिंस डोरस, अ कॉमेडी, अ टेल इन प्रेज प्रोज सॉरी, अ नरेटिव पोयम, अ फेरी टेल इन वर्स। चलिए जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड नीलम। तो यहां पर देखो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अ फेरी टेल इन वर्स। प्रिंस डोरस इज अ कॉमिक फेरी टेल इन वर्स। ठीक है, ये क्या है, एक फेरी टेल है जो कि वर्स में है, कॉमिक है। ओके, प्रिंस डोरस। कुछ क्वेश्चंस आपको नए लग सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमें लगता है ये तो हमने पहले नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो प्रिंस डोरस भी ऐसा ही एक ऐसा ही वर्क है चार्ल्स लैम का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रेन ऑफ एलिस कॉल बर्ट्रम फादर, दिस सेंटेंस इज पार्ट ऑफ लैम्स एस ए ड्रीम चिल्ड्रेन, हु वॉज बर्ट्रम, अ क्लोज रिलेटिव ऑफ लैम, लैम्स कलीग इन ईस्ट इंडिया हाउस, द मैन हु मैरिड द वुमन हुम लैम लव्ड, लैम्स एल्डर ब्रदर। चलिए नेक्स्ट यहां पर बताइए। The children of Ellis Carl Bartram father. This sentence is part of Lamb's essay Dream Children. Who was Bartram? A close relative of Lamb. Lamb's colleague in East India House. The man who married the woman whom Lamb loved. Lamb's elder brother. And the correct answer is the man who married the woman whom Lamb loved. आपको पता है कि लैम जो थे, चार्ल्स लैम, वो लव करते थे एक वुमन से। ठीक है, जिन्होंने शादी नहीं करी, जिसको उन्होंने एलिस, जिसको उन्होंने अपने ड्रीम चिल्ड्रन में, जी ड्रीम चिल्ड्रन की मदर बताया है। ठीक है, तो उन्होंने किससे शादी कर ली थी, उन्होंने बर्ट्रम से शादी कर ली थी और लैम को रिजेक्ट कर दिया था। तो बर्ट्रम इज द मैन हुम द वुमन मैरिड, हुम
चार्ल्स लैम लव्ड, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज डिलेविस एंड डैंसी आर द लीडिंग कैरेक्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, लॉयलिटीज, द एल्डेस्ट सन, द पिजन, एस्केप। डिलेविस एंड डैंसी आर द लीडिंग कैरेक्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, चलिए जल्दी से बता दीजिए, लॉयलिटीज, द एल्डेस्ट सन, द पिजन, एस्केप। यस गुड, धर्मेंद्र सबसे पहला आंसर आपने कर दिया, यस प्रदीप गुड, लॉयलिटीज, ठीक है, लॉयलिटीज इज द प्ले वेर वी फाइंड, वेयर वी फाइंड द कैरेक्टर लाइक डिलेविस एंड डैंसी, ठीक है गुड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एंथोनी ट्रॉलोप सैटराइजेस डिकेंस इन द कैरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डॉक्टर चार्ल्स रिफॉर्मर, डॉक्टर पेसिमिस्ट एंटी कैंट, मिस्टर चैटिंग हार्डवुड, मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज 20 क्वेश्चंस थे केवल, और कल से नेट का नया बैच में स्टार्ट करूंगी, तो कल सिलेबस जो है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है, कल सिलेबस डिस्कस करूंगी नेट का 5 PM पर ही, तो आप लोग जो भी नेट में इंटरेस्टेड है या जिनको सिलेबस चाहिए वो देख लेंगे, ठीक है, आपकी क्लास होगी जो हो रही है, प्रैक्टिस वाली क्लास भी होगी, लेकिन कल सिलेबस भी डिस्कस होगा, तो जो टाइमिंग होगी वो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगी, ठीक है, तो टाइमिंग मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगी, और कल सिलेबस पूरा मैं कैसे आपको पढ़ना है, क्या 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 चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी नेट से रिलेटेड, ठीक है। तो एंथनी ट्रॉलोप का एक नॉवेल था 1855 में जो उन्होंने लिखा था, द वार्डन, ठीक है, द वार्डन, क्या नाम था, नाम भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, द वार्डन, ये 1855 में आया था, और इसमें उन्होंने अपने जो फेलो नॉवेलिस्ट थे, जो उनके कंटेम्प्रेरी थे चार्ल्स डिकेन, उनको क्या किया था, उनको सेटराइज किया था, उनको उनके ऊपर एक कमेंट किया था, सेटायर उनके ऊपर बनाया था एक कैरेक्टर को लेकर के, और वो कैरेक्टर था मिस्टर पॉपुलर सेंटिमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैरेक्टर था मिस्टर पॉपुलर सेंटिमेंट, जो कि द वार्डन में आया था, जो कि एक एंथोनी ट्रॉलोप की नॉवल थी, जो कि 1855 में आई थी। तो ये क्वेश्चंस थे आज के, 20 क्वेश्चंस थे आज के, ठीक है, और कल की क्लास में मैं नेट का सिलेबस डिस्कस करूंगी पूरे डिटेल के साथ में, पूरे डिटेल के साथ में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, जून के लिए, और आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग अंजलि, तो कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि सिलेबस कब डिस्कस करूंगी और आपके क्वेश्चंस जो है वो कब होंगे, तो कल की क्लास में पहले आपके सिलेबस डिस्कस हो जाएंगे, ताकि आप लोग जो है वो काफी टाइम से, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि क्लास मैम समझा दीजिए बुक कौन सी पढ़नी है, कैसा सिलेबस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो ओके तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको सिलेबस के बारे में नहीं जानकारी है, जो एग्जाम दे भी रहे हैं, जिन्हें ये नहीं आइडिया हो रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपको पता है बहुत ज्यादा वास्ट है, तो जिनको भी आइडिया नहीं है, जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो गेट का दे रहे हो या सेट का दे रहे हो या फिर PhD का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं JRF के लिए, तो वो सारी चीजें मैं कल की क्लास में क्लियर करूंगी। टाइमिंग आपकी क्लास की यही है जो आपकी होती है, कोई भी टाइमिंग चेंज अभी तो नहीं है, अगर ऐसा कोई टाइमिंग चेंज होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन अभी ऐसी कोई टाइमिंग चेंज नहीं है कल के लिए, 5 PM पर ही कल की क्लास होगी, और कल की क्लास में आप अपने जितने भी फ्रेंड्स को बता सकते हैं बता दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश कीजिएगा, और एक पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, रिविजन रखिए, आप लोग थोड़ा बहुत भूल रहे हैं लिटरेचर पोर्शन, तो उसको ध्यान रखिए, पढ़िए, आपको पता है कि तीजरी पीजीटी का एग्जाम की अभी कोई डेट तो नहीं आई है, लेकिन अगर आप पीजी हैं और 55% से आपके मार्क्स जो है वो ऊपर है जनरल कैटेगरी में, तो आप नेट के लिए जो है वो एलिजिबल है, और नेट की जो वैकेंसी है वो हर 6 मंथ पे आ जाती है, आपको भी पता है, और नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं किसी भी स्टेट से, क्योंकि नेट जो है वो ऑल इंडिया के लिए होता है, तो अगर आप नेट के लिए चाहते हैं कि नेट आप कर लें, या फिर आप कुछ अपर में हायर में जाना चाहते हैं, आप नेट है भी तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको वो इतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब सिलेबस से आते हैं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नीलम जी अगर प्रैक्टिस क्लास होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी, जैसा भी होगा मैं आपको दिन में ही इन्फॉर्म कर दूंगी, आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है।